लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रदेश के 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से जारी सूची में 3 महिलाओं के साथ साथ 6 नए चेहरों को मौका दिया गया, जिसको लेकर पीसीसी उपाध्यक्ष मुमताज मसीह ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इस दौरान महिलाओं सहित प्रत्येक वर्ग का भी खास ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो सूची जारी की उसने सभी वर्गों को निराश किया, जबकि कांग्रेस ने जिताऊ और साथ ही अच्छे उम्मीदवारों को मौका दिया है और इसी तर्ज पर शेष 6 सीटों पर भी सूची कांग्रेस जारी करेगी। कांग्रेस ने सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से वार्ता करके उनसे सुझाव लेकर टिकट बांटे हैं और हर वर्ग का उन्होंने समावेश किया इसके अंदर, और हर वर्ग ही नहीं, महिलाओं का भी इसमें। जो हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्होंने महिलाओं का भी इसमें अच्छा समावेश किया है। इसी प्रकार से आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी टिकट बांटे हैं वो उसके अंदर एज का भी पूरा ख्याल रखा है, 30 साल से लेकर और बड़ी उम्र तक के भी लोगों को इसके अंदर लिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो हर प्रकार से बहुत ही सोच समझकर और अच्छी तरह से। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।